हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पीडीएफ को लैपटॉप से अपने मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ ज़रूर होगा, तो हम यहाँ पे ब्लूटूथ का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके कंप्यूटर में भी ब्लूटूथ है तो आप कंप्यूटर में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे करना है, आइए जानते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर में ब्लूटूथ ओपन कर लेना है। इसके लिए आपको कॉर्नर पे यहाँ पे एक स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता होगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको सेटिंग सर्च करना है, तो सेटिंग सर्च करें और इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डिवाइसेस, तो डिवाइसेस पे क्लिक करें। तो डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइड में ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, इस पर क्लिक करके आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ बंद है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई देगा ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे कहेगा ब्लूटूथ, तो इस वाले पर ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का ब्लूटूथ भी चालू कर देना है। तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल का ब्लूटूथ चालू कर रखा है हमने। हमारा फ़ोन आ चुका है नॉलेज इन हिंदी, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टिंग हो रहा है, तो हम इसे होने देते हैं। कनेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पेयर पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये पेयर हो चुका है। इसके बाद आपको इसे क्रॉस कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी पीडीएफ को देख लेना है। ये रही हमारी पीडीएफ, आपको इस पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ सेंड टू, सेंड टू पे क्लिक करें। फिर आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके पास याला पेज आएगा, यहाँ पे आपके फ़ोन का नाम होगा जो कि कनेक्ट कर रखा है पहले से ही, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फाइल ट्रांसफ़र हो रही है और फ़ोन में एक्सेप्ट करने को कहता है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो रहा है, जल्दी हो जाएगा, छोटी सी फाइल है, आप और भी चीज़ें इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो चुका है और हमारे फ़ोन में भी आ चुका है, हम इसे अपने फ़ोन में ओपन करते हैं। ये रहा हमारा फ़ोन और ये रहा हमारा रिज्यूम जो कि हमने अपने कंप्यूटर में बनाया था और हमने इसे अपने मोबाइल में डाला है, आप देख सकते हैं ये आ चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।